Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो कि अभी फिलहाल जो कि हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियंस है गाइस, जे उसो एंड कोडी रोड्स गाइस, शायद से हमको मालूम पड़ गया है कि कौन वो टीम होने वाली है जो ये लोग को डिट्रोन करते हुए दिखने वाली है। और इसका आंसर हमको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ही एपिसोड में मिला, तभी रोमन रेंस ने जिमी उसो एंड सोलो सिकोवा को ऑर्डर किया कि रोमन रेंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ है कि कोडी रोड्स और जे उसो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में घूम रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको ऑर्डर दिया है कि आप कैसे भी करके वो टैग टीम चैंपियनशिप्स वापस से ब्लडलाइन में लेके आओ, क्योंकि हमारे के लिए ये बहुत ही बड़ा डिसरिस्पेक्ट है कि ये दो बंदों के पास है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। सो गाइस, शायद से इनडायरेक्टली उन्होंने टीज किया है कि गाइस हमको फ्यूचर में गाइस जो कि कोडी रोड्स एंड जे उसो है गाइस, उनके टैग टीम चैंपियनशिप्स हारते हुए दिख सकते हैं मोस्ट प्रॉबेबली रोमन रेंस के ही ब्लडलाइन के मेंबर्स को, जो कि है जिमी उसो एंड सोलो सिकोवा। गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, हमको पॉसिबली गाइस ये दोनों स्टार्स उनके चैंपियनशिप्स ये ब्लडलाइन के मेंबर्स को हराते हुए देख सकते, क्योंकि जरूर गाइस शायद से देख के लग रहा है कि वो वापस से प्लान कर रही है ब्लडलाइन को टॉप पे लाने के लिए, तो पॉसिबली इसकी शुरुआत हो सकती है तभी जिमी एंड सोलो क्लेम करते हुए देख सकते हैं टैग टीम टाइटल्स। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि रेसलमेनिया 40 के लिए WWE सोच रही है रोमन रेंस वर्सेस द कोडी रोड्स का, नहीं तो द रॉक का मैच, तो उन्होंने जिमी उसो के लिए सोचा है कि उनका मैच वो उनके भाई जे उसो के अगेंस्ट कराने वाले, तो पॉसिबली उसकी शुरुआत करने के लिए जिमी उसो एंड सोलो सिकोवा हमको बनते हुए दिख सकते हैं द न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। और गाइस, अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलें।